अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़वी बोटस्वाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो बस यहाँ सुबह सुबह ना मैं बच्चों को बना के दे रही हूँ बनाना सैंडविच, और ये ना झटपट से बनाना सैंडविच बन जाता है। बस इसमें ना बनाना कट कर दें, और मैंने पहले ना बटर लगा ली हूँ, और फिर अब मैं उसमें छोटे छोटे स्लाइस करके ना बनाना डाल दूँगी। तो ये ईजी सा ना बनाना सैंडविच बन जाता है, क्योंकि मेरा बेटा को ना जाना पड़ता है 6:30 में, तो फिर मतलब ना टाइम ही रहता है कि कुछ मतलब ना हेवी बनाऊँ। तो इसलिए ना ये इजी सा ना झटपट सा बनाना सैंडविच हो जाता है, तो बच्चे खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं टिफ़िन में ना बर्गर बनाऊँगी। तो बर्गर के लिए ना मैं जो पैटिस होता है वो बना के रखी हूँ चिकन का। तो चिकन का जो कबाब होता है ना, उस तरह से बना के ना फ्रिज में रख ले, तो जब भी चाहे ना आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो बनाई हुई थी, तो मैं जल्दी से ना बस एक तरफ मैं रख दी हूँ चिकन को फ्राई करने के लिए। तो बस जल्दी से झटपट से ना मैं बना के बच्चों को बर्गर दे दूँगी टिफ़िन में। तो ये है आज का मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। और मैंने पपाया कट कर दिया था कि बच्चे खा लें, और फिर मिल्क में चॉकलेट डाल के मैं वो दे दी हूँ, तो बच्चे नाश्ता कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी स्कूल छोड़ने, फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाऊँगी। सुबह सुबह ना बच्चों को खाने का दिल तो बिल्कुल नहीं करता, मगर मैं ज़बरदस्ती ना इनको कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को लॉन्ग टाइम वहाँ स्कूल में रहना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक टाइम 10:00 होता है। तो मतलब ना मॉर्निंग में कुछ अच्छे से खा के जाए, तो फिर मतलब ना पढ़ाई में भी दिल लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, बच्चों को ना कुछ तो खाली पेट मुझे नहीं भेजना है, कुछ तो खिला के भेजना है। तो मतलब ना जिस दिन कुछ भी नहीं रहता, तो फिर मैं ये ब्रेड वगैरह ना बना के बटर वगैरह लगा के दे देती हूँ, एटलीस्ट बच्चे कुछ तो खा के जाएं। और बस यहाँ पर देखिए, ये मैं बर्गर ना बस इसमें बटर लगा दे रही हूँ, और अब कबाब जो है ना वो फ्राई करके रखी हुई, तो वो उसके ऊपर डाल दूँगी, और मेयोनीज़ जो होता है ना वो लगा दूँगी। मेरे बच्चों को ना वेज वगैरह डाल दो ना, तो फिर वो छोड़ के ले आते हैं, तो इसलिए ना मैं उसके अंदर वेज वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि इनको नहीं पसंद है इतना वेज वगैरह। तो इसलिए बर्गर में ना नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर टिफ़िन है, अगर घर में सामने में खिलाओ तो क्या होता है कि जो वेज वगैरह है ना वो सारा मैं खिला देती हूँ। मगर अभी क्या है, स्कूल में बच्चे रहेंगे तो मैं तो देख नहीं सकती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं टिफ़िन वापस ले आते, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं डालती जो पसंद ना हो। तो बस यहाँ पर देखिए, बस मैं चीज़ ऊपर से डाल दे रही हूँ, तो ये ईजी सा ना बर्गर रेडी हो गया है। Again, first teaspoon. Wait. Mom, and today you drop me at
class and then you're going to tell the teacher something. What? You ask the teacher that since we are doing a cross country, should you come also to watch? No, no. Why should you come? To see you lose. It's not like you'll come first. Yeah, come tell last. Him I'm winner from behind. I'm not winner from the front. I'm fifth place with daddy in the class. Let me last. वालेकुम सलाम. जाओ सब जा रहे हैं बच्चा. तो बस ये अब ना मैं यहाँ पर लंच तैयार कर रही हूँ. तो लंच में ना आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव, मतलब काबली चना हम लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे वाइट चना भी कहते हैं हम लोग के यहाँ ना, इसे काबली चना कहते हैं. तो मैं उसका ना पुलाव बना रही हूँ और साथ में ना मैं उसके अंदर पनीर भी डाल दूँगी. तो बस यहाँ पर ना प्याज को ब्राउन कर लेना है और फिर इसके अंदर जितना भी जो होल खड़ा मसाला होता है ना वो डाल देना है. तो इसके अंदर ना मैं डाल दे रही हूँ लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, ये सारे को डाल के ना अच्छे से फ्राई कर लेना है. तो यहाँ पर मैंने ना रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे. फिर इसके अंदर ना मैं पोटैटो कट करके रखी हूँ तो वो पोटैटो डाल दूँगी और उसको अच्छे से भून लेना है. और मैं ना चना, जो वाइट चना है उसको मैं बॉयल कर ली थी पहले ही, क्योंकि फिर वो उतना सॉफ्ट नहीं हो पाता तो बॉयल कर ली थी. तो बस इसको ना अच्छे से मिक्स करके और इसको थोड़ा सा पका लेना है. फिर उसके बाद इसके अंदर ना आपको टमाटो डाल देना है और फिर उसको अच्छे से भून के ना फिर उसके अंदर मैं पानी डालूँगी और फिर चावल डाल देना है. ये जो पुलाव है ना वो बहुत झटपट सा जल्दी सा बन जाता है. तो मैं ना चना को जल्दी से बॉईल कर ली थी तो इस तरह का जो बनाना मतलब पकाना रहता ना तो ईजी से बन जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. बस आप ना पहले से चना बॉईल करके रख लें, अगर एक दिन पहले बॉईल कर लें तो ये ना ईजी से बन जाता है. तो मैं सोची कि मैं क्या झटपट सा रेडी करूं, क्योंकि ना फिर बच्चों को भी स्कूल से आना रहता है, फिर वो खाएंगे, फिर उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें भी जाना रहता है. तो मैं कोई ऐसा झटपट सा ना सोचती हूं कि मैं क्या बना लूं. तो ये ना ये जो रेसिपी है ना वो ईजी से झटपट सा बन जाता है. तो बस अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल दी हूँ और यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये सब डाल के ना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है. और अब इसके अंदर ना मैं योगर्ट डाल दी हूँ, दही डाल दी हूँ. आप नहीं भी डालेंगे ना तो कोई ये बात नहीं, क्योंकि हम लोग टमाटर तो इसमें डाल दिए हैं. बस मैं डाल दी क्योंकि मैं ना थोड़ा बिरयानी टाइप में बना रही थी तो ये ना बिल्कुल ना बिरयानी जैसा तैयार हो जाएगा. बस मैं दम बिरयानी नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल सा ना पुलाव टाइप में बना रही हूँ. तो ये ईजी सा ना, मगर अगर मतलब जल्दी बनाना होता है ना तो ये जल्दी सा झटपट सा ना ये तैयार हो जाता है काबली पुलाव. इसका नाम ही है काबली पुलाव. और यहाँ पर ना मैं ऑनियन कट कर ली हूँ, कैरेट को कट कर ली हूँ और जो आपके पास नट्स होता है ना, जितना एलमंड है और वॉलनट है, ये सारा ना उसको कट करके आप इसको अच्छे से ना फ्राई कर लेना है. तो मैं ये ना मैं इसके ऊपर में जब थोड़ा देर पकाऊँ, जब एंड में जब बन जाएगा ना तो मैं इसके ऊपर से डालूँगी. तो ये प्याज भी ना उसी में धीरे धीरे करके ना ब्राउन हो जाएगा और साथ में जो नट्स है ना वो भी ब्राउन हो जाएगा और ये जो कैरेट में कट के रखे ना ये भी ब्राउन हो जाएगा. और इसके अंदर ना मैं पनीर के जो क्यूब्स होते हैं ना वो डाल दूँगी तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा. तो ये ना मैं अपने जो पुलाव बना रही हूँ ना उसके ऊपर डाल दूँगी. और यहाँ पर ना ये पनीर डालने के बाद इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और हल्का सा टर्मरिक पाउडर और कसूरी मेथी वो डाल दूँगी. तो इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ट्राई करके देखिएगा. तो बस ये देखिए आराम से ना बच्चे पनीर भी पसंद करते हैं और ये हेल्दी भी हो गया क्योंकि इसमें नट्स भी चला गया है और वेज भी हो गया, कैरेट चला गया. तो ये एक बहुत मतलब ना हेल्दी सा और इजी सा रेसिपी है जो आसानी से बन जाता है और बिल्कुल ना ये बिरयानी जैसा ही लग रहा था टेस्ट में. एक बार आप ना ट्राई करके देखें.
और यहाँ पर देखिए बस इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा कलर डाली हूँ और एसेंस डाल दी हूँ, और बस ये देखिए ये पनीर और कैरेट जो है ना ये ऊपर डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा देर के लिए ना 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। तो ये ना बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था कि बिरयानी खा रहे हो बिल्कुल, मतलब बहुत ही टेस्टी सा बिरयानी ना, और इतना झटपट सा इजी सा तैयार हो जाता है। बस ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाल देना तो ये रेडी हो गया है। और इसके साथ ना मैं सिंपल सा रायता बनाऊंगी, तो मैं दही ले ली हूँ और दही के अंदर ना मैं ऑनियन डाल दूँगी और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा वो डालूँगी एप्पल। एप्पल जो होता है ना ऐसे तो नहीं खाते हैं, मगर जब योगर्ट के अंदर एप्पल डाल देंगे ना तो बच्चे एप्पल भी खा लेंगे, क्योंकि लोगों को मोस्टली एप्पल पसंद नहीं आता, मगर कुछ तरीके से डाल के बना लो ना तो साथ में एप्पल भी, क्योंकि हर दिन ना एक एप्पल तो खाना ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं खा सके ना तो आप योगर्ट के अंदर सैलड बना के ना इस तरह से खा लें। तो रियली ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। इस तरह से भी ना एप्पल डाल के खाएं तो ये हेल्दी भी हो गया, क्योंकि योगर्ट भी हेल्दी है एप्पल भी हेल्दी है, तो ये सारा जो है ना हेल्दी सा ना मतलब खाना तैयार हो गया हमारा लंच। तो आगे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गर्मा गर्म ना काबली पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया है, और बस मैं इसे सर्व कर रही हूँ और बच्चों को खिला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ना मदरसा जाना है, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से ना मैं खुद ही जा रही हूँ कि मैं खिला दूँ, और फिर मुझे बच्चों को ना मदरसा भी ड्रॉप करना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पपाया कट कर लिया है, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है तो बच्चों को भूख लगी थी, तो मैं सोची कि मैं फ्रूट्स कट करके दे दूँ और मिल्क। तो मोस्टली मैं ना इवनिंग में इसी तरह का मतलब फ्रूट्स वगैरह देती हूँ। तो बस अब मैं ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो डिनर के लिए ना मैं सांभर ऑलरेडी दाल जो है ना मैं बॉईल कर ली थी, और यहाँ पर बस मैं इसके ऊपर तड़का लगा रही हूँ, फ़ौरन दे रही हूँ। तो उसमें मैं डाली हूँ राई दाना और हींग और ये करी लीव्स, तो बस ये दाल के अंदर मैं डाल दूंगी। तो ये जो दाल है मैं ऑलरेडी बॉयल कर ली थी, इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स वगैरह वो मैं डाल दी थी। तो बस ये ही मेरा आज का डिनर मैं बना रही हूँ ना, डोसा प्लेन डोसा रहेगा और ये दाल, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो बस ये इजी सा ना बन जाता है। तो यहाँ पर बस डोसा बच्चों को रात में मैं वही खिलाऊंगी, क्योंकि ये ना मतलब हेल्दी भी है और इजी सा बन जाता है, तो इसलिए मैं सोची कि मैं डोसा बनाऊं, क्योंकि मतलब ना रात में आपको मतलब हल्का खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, तो जो डोसा है ना वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ना डोसा सोची कि मैं रात का डोसा ही डिनर बना लूँ। तो ये जो होता है ना आप जब भी पीस के ना रख दें तो आपको जब दिल करे ना डोसा बना सकते हैं, जब शाम में भी अगर भूख लगे ना तो आप डोसा खा सकते हैं। तो इसलिए आज का जो मेरा डिनर है ना वो डोसा है।
इडली वही चीज है, यही डोसा को इडली। तो यहाँ पर देखिए मैं डोसा बना रही हूँ, तो अब मेरे छोटे वाले को डोसा नहीं इडली खाना है। जब मैं डोसा बनाती हूँ तो इडली चाहिए, इडली बनाती हूँ तो डोसा चाहिए, यही रहता है। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई तो करके देखो, डोसा खा के तो देखो कैसा लगता है। मगर मतलब उसको ज़िद था कि इडली खाएंगे, मगर जब डोसा ना मैं ऐसे ये नहीं खा रहा था तो मैं क्या कि मैं उसे बनाने दे दी। जब ये खुद से बनाया ना तो फिर उसको डोसा अच्छा लगने लगा, मतलब खुद से बनाने से ना डोसा पसंद आ गया, कहता है कि हाँ डोसा अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो खुद से बनाया ना तो उसको अच्छा लगने लगा। I am the chef Rohan. Always meet me if you want a dosa and idli. I'm quickly good as three idli people. Mama, look, I burnt it. You see, Mama, look how you did it. Look, look. And mine is more better than yours. You see, look, look. Oh, look, this one or this one? This one. See, look at this burnt. This one. Mine is not burnt. It's just like this. This is how it's supposed to be. And look at this man. This one made it. तो बस यहाँ पर ना डिनर रेडी हो गई थी, तो बस अब मैं ना थोड़ा सा सफाई वगैरह कर ले रही थी, क्योंकि जब पकाए थे ना तो थोड़ा गंदा वगैरह भी हो ही जाता है, तो फिर जो गैस वगैरह है वो साफ़ कर लिए। और क्योंकि ना अगर आपको सुबह में मॉर्निंग में फिर से कुक करना होता है और मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चों के स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि साफ़ सुथरा होना तो किचन में फिर काम करने का दिल भी करता है। अगर छोड़ दो ना तो फिर सुबह सुबह क्लीनिंग में लग जाओ तो फिर जो बच्चों को टिफ़िन वगैरह है ना वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि मैं रात में ना हमेशा मतलब किचन वगैरह ना साफ़ सुथरा करके ना फिर तभी सोती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर मेरा जो किचन वगैरह है वो सारा जो था ना वो मैं क्लीन कर ली। तो बस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।